तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ अमर और स्वागत है आप लोगों को मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोगों को पहले से ही लाइव आ करके Instagram पे लाइव आ करके, अपने YouTube चैनल पे लाइव आ करके और पता नहीं कहाँ कहाँ लाइव आ करके हम लोगों को क्या बताया गया कि 1 बजे तैयार रहिएगा, कुछ खास आने वाला है। क्या खास आया भाई, इसको तो क्या किया है, नचनिया तो बना ही दिया है। कम से कम गाना चलो जैसा भी है, प्रयास किया है, बेहतरीन प्रयास करने की कोशिश की है, लेकिन बेहतरीन प्रयास नहीं किया है। अगर बेहतरीन प्रयास करती तो शायद ज़बरदस्त ये सॉन्ग बन गया आता और वीडियो भी ज़बरदस्त बनता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। नहीं गाना ज़बरदस्त है और नहीं गाना में डांस ज़बरदस्त है, कुछ भी नहीं है भाई। और देखो दोस्तों, हमें एक बात रियली बताते हैं, हमको रोस्ट करना तो आता नहीं है, लेकिन जब ये वीडियो देख के, ये टॉप की नचनिया वीडियो देख के, जब हमको खुद मज़ा नहीं आया, आप लोगों को क्या मज़ा आया होगा। उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट किया है, क्या ज़बरदस्त काम किया भाई, नचनिया बना दिया है। सुजीत पांडे और उसका पूरा टीम मिल के इसको नचनिया बना दिया है, और नचनिया वो भी जैसे सॉन्ग सब में शूट होता है, थोड़ा जो उस पर खर्च किया जाता है वीडियो बनाने में, सॉन्ग बनाने में जो क्या कहते हैं प्रोड्यूसर अपना पैसा खर्च करता है, हमको तो लगता है सॉन्ग से वो पैसा भी नहीं ऊपर होगा। और यार अंकिता मैडम, आप एक चीज़ बताइए, आप खुद देखिए ना वीडियो, आप खुद वीडियो देख के बताइए, ये आप पे शोभा देता है। अरे जब बनाए कुछ बेहतरीन बनाते, मज़ा भी आता। नहीं तो इतना सारा क्लिप जो हम लोग देखे, आप लोग बताइए कौन कौन सा पार्ट इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग बोलिएगा कि आप तो कुछ करते नहीं हैं, इन लोगों के वीडियो पे ही रिएक्शन देते हैं, तुम तो कुछ करता नहीं हो भाई, तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुमको तो कुछ होता नहीं है, दूसरे किसी की बुराई करते हो। भाई अगर ऐसे वीडियो आएगा सामने तो क्या करेंगे, अच्छा ही बता सकते हैं। इस वीडियो में ये जो सॉन्ग पे मैडम डांस की है, नचनिया वाला सॉन्ग पे, इसमें क्या अच्छा बोले, इसमें अच्छा बोलने लायक है कुछ। बहुत सारे लोग बोले हैं कि दीदी आपने बहुत अच्छा काम किया है, वीडियो देख के मज़ा आया। कहाँ से मज़ा आया भाई, जैसे ये लड़की डांस की है, इससे अच्छा जो बैकग्राउंड डांसर सब है वो इससे अच्छा डांस किया है। और भाई, और वो लड़का कौन है, वो वही लड़का है जिसको 2 रोज पहले जो हम लोग वीडियो में देखे थे, इसको पिटाई लगा है और बहुत ज़्यादा पिटाई लगा है। अभी वो घर को ही वो हॉस्पिटल बनाए हुए हैं और घर पे वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। आज थोड़ा देर पहले साथ में लाइव आया हुआ है कि हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन लाइव आना तो भाई ज़रूरी है। आप लोग बताइए, आप लोग भी तर्क दीजिए, वो वीडियो देखने में मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे आया, लेकिन हम अपनी बात बता रहे हैं, हमको रियल में भाई वीडियो देखने में कोई मज़ा नहीं आया। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आएगा कुछ तड़कता भड़कता, आएगा सुजीत पांडे की शादी वाला वीडियो आएगा, या किसी दोस्त के साथ जो वीडियो शूट कर रहा होगा कुछ ज़बरदस्त वीडियो आएगा, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कुछ ज़बरदस्त प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा वो वीडियो आएगा, लेकिन आया ये छपरी वाला डांस। मूड ख़राब कर दिया भाई, ये वीडियो मूड ख़राब कर दिया। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखिए दोस्तों, सुजीत भाई और अंकिता मैडम, आप लोगों को अगर बुरा लगा होगा ना तो थोड़ा काम कीजिए, वीडियो पैसा खर्च कर रहे हैं वीडियो बनाने में, गाना बनाने में, थोड़ा टॉप का वीडियो बनाइए जो अच्छा लगे। एंट्री गाड़ी पे करवा दिए और एक क्या कहते हैं पर्दा के सामने डांस कर रहे हैं, वो जो बैकग्राउंड है वो पर्दा ही तो लगाए हैं, थोड़ा बैकग्राउंड भी थोड़ा और बेहतरीन लगाते, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता, स्लो मोशन भी अगर उसमें डालते तो वीडियो और अच्छा लगता। लेकिन ये सब कुछ तो आप लोग किए नहीं, क्या करें, आपकी अच्छाई इसमें क्या बताएं, बताइए।